हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर एच.एल. शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी पॉइंट में। आज हम अपने पास टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट हुई थी ऑफलाइन क्लासेस में उसका सॉल्यूशन कराएंगे। तो जो टेस्ट पेपर अपने पास वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का था, तो उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था अपने पास वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। फर्स्ट था अपने पास क्वेश्चन कि सिंबल ये दिया हुआ है आपके पास या इनपुट दे रखे हैं अपने पास ए और बी वायर, ठीक है। ये सिंबल जो है अपने पास ये किसका है, एंड गेट का। इसका आउटपुट होगा ए बी। यही पूछा गया था आपसे कि दिया गया सिंबल किस गेट का है, तो इसका आंसर क्या होगा अपने पास, एंड गेट। तो राइट ऑप्शन होगा अपने पास बी। इसका जो राइट आंसर ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका राइट ऑप्शन जो होगा अपने पास वो होगा अपने पास बी। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था अपने पास, यहाँ आपको ए दे रखा था वाई। इसका जो आउटपुट होगा वाई बराबर ए बार होगा। देखिए, ये जो सिंबल है अपने पास, ये अपने पास नॉट गेट का सिंबल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में जो अपने पास गिवन था वो अपने पास जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। राइट ऑप्शन होगा अपने पास डी। थर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन था अपने पास कि नैंड गेट का आउटपुट होगा। देखिए, नैंड गेट का जो सिंबल होता है अपने पास, ये वाला सिंबल अपने पास होता है एंड गेट का, ठीक है। यहाँ इनपुट हो गया ए और बी, यहाँ नॉट लगाएंगे आप तो ये बनेगा अपने पास नैंड। इसका आउटपुट होगा ए डॉट बी। देखिए, नॉट क्या लाता है अपने पास, उसको इन्वर्ट कर देता है सिग्नल को। तो यहाँ पर जो आउटपुट हो जाएगा वो हो जाएगा वाई बराबर ए डॉट बी का बार, ठीक है। तो राइट आंसर होगा अपने पास थर्ड क्वेश्चन का, जो ऑप्शन दे रखा था आपको, यहाँ हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। ये नोट कर लीजिएगा आप। फोर्थ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन जो है अपने पास, इन्वर्टर गेट किसे कहा जाता है। देखिए, इन्वर्टर गेट कहा जाता है नॉट गेट को। नॉट गेट को इन्वर्टर गेट इसलिए कहा जाता है, देखिए यहाँ इनपुट ए होगा अपने पास, तो यहाँ क्या होगा ए बार होगा। अगर हम यहाँ जीरो पर जीरो देंगे तो आउटपुट हमें वन मिलेगा, और यहाँ हमने वन दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो। ये क्या करता है, इनपुट को इन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इन्वर्ट गेट। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा फोर्थ का वो होगा अपने पास बी। राइट ऑप्शन होगा आपके पास बी। फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑल एंड नथिंग गेट, ऑल एंड नथिंग गेट किसे कहा जाता है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है अपने पास, ऑल एंड नथिंग गेट, एंड गेट को ऑल और नथिंग कहा जाता है। ये अपने पास हो गया एंड गेट, ये इनपुट ए और बी, आउटपुट वाई होगा ए डॉट बी। देखिए, अगर इसके हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, इनके सत्यता सारणी, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि इसे ऑल एंड नथिंग गेट क्यों कहा जाता है। देखिए, दो इनपुट होंगे तो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे वेरिएबल, अगर अपने पास टू वेरिएबल होते हैं तो पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो होते हैं टू की पावर एन, यानी टू की पावर अपने पास टू, यानी फोर कॉम्बिनेशन बनेंगे। कौन कौन से, ये दोनों जीरो, या फिर ये जीरो हो सकता है, ये वन हो सकता है, ये जीरो, या फिर ये दोनों हो सकते हैं वन वन। आउटपुट होगा ए डॉट बी, ठीक है। अब देखिए, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करें, डॉट करें तो ये आएगा जीरो, जीरो को वन से डॉट करें तो जीरो आएगा, वन को जीरो से डॉट करें तो जीरो आएगा, वन और वन को डॉट करेंगे तो क्या आएगा, वन। तो देखिएगा, यहाँ आपको एक चीज़ मिल जाती है, यहाँ से क्या मिलती है कि जब सभी इनपुट क्या होते हैं, हाई होते हैं, तभी आउटपुट क्या होता है, उच्च होता है। यदि कोई भी एक इनपुट जीरो हो जाता है तो आउटपुट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ऑल एंड नथिंग गेट। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा आपका फिफ्थ क्वेश्चन में वो होगा अपने पास ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सिक्स नंबर का जो क्वेश्चन है अपने पास, सिंबल दे रखा है आपको पास, सिक्स नंबर का क्वेश्चन है ये अपने पास, स्क्रीन पर देखिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ आउटपुट होगा अपने पास ए, ये एक्सोर गेट का सिंबल है अपने पास, ए एक्सोर बी, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा अपने पास वो होगा सी। सातवें क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सिंबल दे रखा है आपको, ठीक है। ये सिंबल जो होता है अपने पास वो होता है एक्सनॉर गेट का, इसका आउटपुट होगा ए एक्सनॉर बी, ठीक है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा सातवें का वो होगा अपने पास ए। आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन आपको दे रखा है क्वेश्चन में, देखिएगा आप, यहाँ अपने पास ए है तो देखिए इसको इन्वर्ट करेंगे तो ए बार होगा, ये फिर वापस इन्वर्ट होगा तो ए, तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा ए। तो राइट ऑप्शन होगा अपने पास सी।
नवे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपको व्यंजक दे रखा है a प्लस ए, ये बराबर होता है अपने पास किसके, a के बराबर होता है। तो राइट ऑप्शन जो होगा नवे का वो होगा अपने पास c। 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। a डॉट a बार एक व्यंजक दे रखा है, ये होगा अपने पास किसके, जीरो के बराबर होगा। देखिए अगर हम a को जीरो माने तो बार क्या हो जाएगा, वन। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जीरो होगा, किसी भी चीज़ को अज्यूम कर लें आप, ए को कुछ भी अज्यूम कर लें, वन अज्यूम करते हैं तो अभी अपने पास जीरो आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा 10 नंबर का वो राइट ऑप्शन होगा अपने पास ए। नोट कीजिएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, एग्जॉर गेट का आउटपुट होगा। देखिए एग्जॉर गेट का जो आउटपुट है, ऑप्शन गिवन दे रखे हैं आपको, अभी लिखा था मैंने, एग्जॉर गेट का होता है ए एग्जॉर बी। ये अपने पास इसके बराबर भी होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। 12 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, एग्जॉर गेट का आउटपुट पूछा है, ये होगा एग्जॉर बी, इसका आउटपुट होता है अपने पास ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, y बराबर a प्लस बी बार, ठीक है। आपको 13 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है y बराबर a प्लस बी बार। देखिए ये आउटपुट होता है अपने पास और का, ठीक है, नॉट लगा हुआ है इसलिए गेट हो जाएगा कौन सा, नॉर गेट, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपने पास, 14 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, यूनिवर्सल गेट किसे कहा जाता है। देखिएगा जिस गेट के द्वारा सभी गेट बनाए जा सकते हैं उसे यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो यूनिवर्सल गेट अपने पास नैंड और नॉर होते हैं, नैंड और नॉर। तो ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन डी में नैंड गेट दे रखा है, तो इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा अपने पास होगा डी। 15 नंबर के क्वेश्चन पर चलता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस गेट का आउटपुट केवल सभी इनपुट उच्च होने पर उच्च होता है, ठीक है। अभी बताया था मैंने वो गेट होता है अपने पास कौन सा, एंड गेट, ठीक है। तो ये अपने पास 15 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर अपने पास 16 से 20 तक आपसे पूछा गया, आउटपुट पूछा गया। स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिए गए हैं अपने पास, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। देखिए यहाँ अपने पास क्या होता है, एंड गेट का एक भी इनपुट अपने पास क्या हो जाता है, जीरो। तो यहाँ जीरो दे रखा है तो उसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो राइट ऑप्शन होगा मेरे पास इसका जीरो। तो राइट आंसर होगा अपने पास 16 नंबर का, वो होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। ये अपने पास जो गेट दे रखा है ये कौन सा गेट है, एग्जॉर गेट है। और एग्जॉर गेट में आपको पता है कि ठीक है ये कंडीशन लिखवाई जाती है कि जब दोनों इनपुट क्या हो, समान हो, तो उसका आउटपुट हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। तो ये दोनों इनपुट ही क्या है, इक्वल है, तो इसलिए आउटपुट क्या आएगा अपने पास, जीरो। तो राइट आंसर होगा अपने पास 17 नंबर का, वो होगा ए, ठीक है। 18 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। दोनों इनपुट देखिए, दोनों इनपुट इक्वल है और ये आपको कंडीशन लिखवाई हुई है, एग्जॉर गेट में जब दोनों इनपुट अपने पास इक्वल होते हैं तो आउटपुट हमेशा वही आता है। तो यहाँ जो आउटपुट होगा वो आएगा ए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा अपने पास यहाँ होगा अपने पास बी, आउटपुट इसका ए आएगा, राइट ऑप्शन होगा बी। 19 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। ये नैंड गेट है, नैंड गेट का एक भी इनपुट जीरो होता है तो उसका आउटपुट हमेशा क्या आता है, वन आता है। तो यहाँ इनपुट जीरो दे रखा है इसलिए आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा। तो राइट ऑप्शन जो होगा अपने पास 19 में वो होगा ए। 20 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। अपने पास जो गेट दे रखा है, अपने पास और गेट है, वन प्लस वन क्या होता है, अपने पास वन होता है। तो राइट आंसर जो होगा अपने पास इसका आउटपुट वन आएगा। तो राइट ऑप्शन जो होगा 20 का वो होगा ए, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 से 20 का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से जो 25 तक हैं वो हमें डेसिमल नंबर दे रखे हैं, दशमलव अंक दे रखे हैं, उनको बाइनरी में चेंज करना है। तो देखिएगा किस तरीके से चेंज करेंगे। 75 को आपको किस में चेंज करना है, बाइनरी में चेंज करना है। तो देखिएगा बॉक्स मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ आ गया 1, ये आ गया 2, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32 और ये आ गया अपने पास 64, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक जो अपने पास है इनका कॉम्बिनेशन आपको इस तरीके से यूज़ करना है कि आपके पास क्या मिल जाए, 75। तो हम 64 को यूज़ में ले लेंगे, ठीक है। 60 और अगर 16 को लेंगे तो 80 हो गया, ये दोनों हम यूज़ नहीं कर पाएंगे तो ये आ गया 0। अगर हम 8 यूज़ करेंगे तो अपने पास ये हो गया 72 और ये दोनों यूज़ कर लेंगे तो अपने पास हो गया 75। तो इसका जो बाइनरी होगा अपने पास वो क्या हो जाएगा, 100011, ठीक है। ये इसका बाइनरी कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। ये मैंने आपको क्लास में काफ़ी अच्छी तरीके से समझा रखा है कि किस तरीके से बॉक्स मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर चलते हैं। 97, ठीक है। अब देखिएगा इसी डिजिट को हम यूज़ कर लेंगे, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। अगर देखिए इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे तो टोटल ये 127 होता है। यहाँ से हमने यूज़ किया 64 और 64 और 32 को ऐड करें तो ये होगा 96, ठीक है।
और ये 1 को यूज़ कर लेंगे, बाकी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये अपने पास क्या हो गया, 97 का बाइनरी हो गया, 11 4 times 0 and 1, ठीक है। 0.75 अगर दशमलव को हम किस में बदलते हैं, बाइनरी में, इसका मैंने आपको दूसरा तरीका समझाया था किस तरीके से करेंगे, 0.75 मल्टीप्लाई 2, यह आ गया अपने पास 1.50, ठीक है। तो पहले पॉइंट लगाएंगे, ये डिजिट कितनी आई 1, ये 1 लिख देंगे, 0.50, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना आ गया 1.00, तो ये अपने पास इसका बाइनरी हो गया 0.11, क्या होगा 0.75 का बाइनरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन नोट कीजिए। देखिए 24 नंबर के क्वेश्चन में अपने पास दोनों यूज़ करने पड़ेंगे आपको, डेसिमल वाला भी और डायरेक्ट बॉक्स मेथड भी। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले 37 को बाइनरी में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए आप बॉक्स मेथड यूज़ कीजिए, 1 2 4 8 16, ठीक है। अब देखिए इनका जो एडिशन होगा 31, तो हमें आगे वाली डिजिट यूज़ करनी पड़ेगी, वो हो गई 32। इसको यूज़ कर लिया आपने, ठीक है, इसको यूज़ कर लिया, कितने हो गए टोटल 36, और इसको यूज़ कर लिया 37, ठीक है। तो देखिए 37 का जो बाइनरी हुआ वो हो गया 100101 पॉइंट, और 50 का जो बाइनरी होता है वो होता है 0.1, ठीक है। डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेंगे, 50 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया 1, इसके बाद 0 नहीं आएगा, तो 0.10। पॉइंट के बाद 1 आने के बाद आप कितना भी 0 लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके यहाँ आप 0 भी लगा दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 25वें का सॉल्यूशन देखिएगा, बॉक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, 1 2 4 8 16 32, इन सब का जो एडिशन होगा वो 127 होगा, तो सभी डिजिट यूज़ किया अपने पास, इसलिए क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसका बाइनरी नंबर हो गया अपने पास ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से 30 जो अपने पास हैं वो सारे अपने पास क्या हैं, बाइनरी डिजिट को कन्वर्ट करना है आपको, है ना, बाइनरी डिजिट को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए अपने पास सिंपली बॉक्स मेथड यूज कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे सारे के सारे जो भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 26 जो है क्वेश्चन नंबर वो है अपने पास 11012, इसको आपको किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो देखिएगा 1 2 4 8, ठीक है, ये डिजिट आपने यूज़ की, ये 12 हो गया, ये 13, तो इसका बाइनरी कितना हो गया 13। 27 का देखिएगा 11011, ठीक है, 1 2 4 8 16, ठीक है, 4 आपने यूज़ नहीं किया, 31 में से 4 डिक्रीज कर दीजिए, तो ये अपने पास क्या आ गया 27, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास जो है 28, ठीक है, इसका बाइनरी अपने पास चेंज करना है 11101, ये बाइनरी है, इसको डेसिमल में चेंज करना है 1 2 4 8 16 32, देखिए यहाँ अपने पास क्या होता है, टोटली 63 होता है इसका जो एडिशन होता है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 61, क्योंकि 2 डिजिट आपने काम में नहीं लिए, ठीक है, इसका डेसिमल ये हो गया। 29 को देखिए 101010, ठीक है, ये बाइनरी है, इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है 1 2 4 8 16 32, ठीक है। यहाँ 8 कितने हो गए अपने पास 40 42, ठीक है, तो इसका जो बाइनरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 42, सॉरी डेसिमल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 42। लास्ट क्वेश्चन जो है 30, ठीक है, वो है अपने पास 111, 6 times 1 है, ठीक है, इसको आप किस में चेंज करोगे डेसिमल में 1 2 4 8 16 32, इसका बाइनरी हो जाएगा 63। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 26 थे, 30 का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास 31 से 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 से लेके अपने पास 40 तक आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में स्टार्ट कराता हूँ। ये सिंबल जो है अपने पास a.b, ये अपने पास एंड गेट बनाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा a.b। ये अपने पास और गेट बनाता है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो ये आ गया अपने पास a+b। क्वेश्चन नंबर 33 से 38 तक आपको IC नंबर बताना है, तो देखिए मैं IC नंबर लिख देता हूँ, बाद में आप डायरेक्ट टिक कर लेना। 7400 जो IC होती है वो नैंड गेट की होती है, ठीक है। 7402 जो अपने पास IC होती है वो अपने पास नॉर गेट की होती है। 7404 अपने पास हैक्स कोड हैक्स इन्वर्टर की होती है, जिसे आप नॉट गेट भी बोलते हो, ठीक है। 7408 जो होती है अपने पास वो एंड गेट की IC होती है। 7432 जो होती है अपने पास वो और गेट की IC होती है। 7486 जो होती है अपने पास एक्सोर गेट की IC होती है। ये IC नंबर आपको डायरेक्ट याद करने हैं, ठीक है, डायरेक्ट एग्ज़ाम में आ जाते हैं, ठीक है। पिछली बार आपने JVNL का एग्ज़ाम देखा होगा कि वहाँ अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी खासी आई थी और काफ़ी वेटेज है उसका, ठीक है, नोट कीजिएगा। देखिए
39वां जो क्वेश्चन है अपने पास एक्सोर 39वां क्वेश्चन है नैंड गेट में एंड गेट बनाने के लिए कितने नैंड गेट की आवश्यकता की। देखिए नैंड गेट्स अगर एंड गेट बनाते हैं अपने पास तो 2 नैंड गेट की आवश्यकता होती है, ठीक है। और नैंड गेट से आप क्या बनाओगे, नैंड गेट बनाओगे तो 1 की आवश्यकता होगी, नैंड गेट से आप नॉट गेट बनाओगे तो 1 नैंड गेट की आवश्यकता होगी, ठीक है। और यदि नैंड गेट से आप क्या बनाते हो और गेट बनाते हो तो 3 नैंड गेट की आवश्यकता होगी, और नैंड गेट से आप क्या बनाते हो एक्सोर गेट बनाते हो तो टोटल 4 गेट चाहिए आपको, और नैंड गेट से आप क्या बनाते हो एक्सनोर गेट बनाते हो तो 5 गेट चाहिए। ये आपको डायरेक्ट याद करना है क्योंकि यूनिवर्सल गेट है ये, इन यूनिवर्सल गेट से हम क्या कर सकते हैं सभी गेट बना सकते हैं, तो आपको गेट का वेटेज याद रखना होगा। तो 40 क्वेश्चन में यही पूछा आपसे कि भी नैंड गेट से हम क्या बनाएंगे एक्सोर गेट बनाएंगे तो कितने गेट की आवश्यकता होगी, 4 की। अगर नॉर बनाते हैं तो क्या चाहिए होते हमें, 5 गेट चाहिए होते। 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बेसिक मेमोरी एलिमेंट जो कहा जाता है वो फ्लिप फ्लॉप को कहा जाता है, ठीक है, किसको कहा जाता है फ्लिप फ्लॉप को। 42 नंबर का क्वेश्चन है 1 byte। देखिए 1 byte जो होता है अपने पास वो 8 bit के इक्वल होता है या फिर 2 nibbles के इक्वल होता है, क्योंकि 2 nibble एक निबल जो होता है अपने पास वो बराबर होता है किसके 4 bit के, ठीक है। नोट कीजिएगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 43 से 50 तक आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 43 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिक्वेंशियल परिपथ का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर जो होता है अपने पास वो अपने पास कॉम्बिनेशनल परिपथ का उदाहरण होता है, तो इसलिए राइट ऑप्शन होगा सी। 44 में देखते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट कहा जाता है, यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट मल्टीप्लेक्सर को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन क्या आएगा सी। देखिए यहाँ यूनिवर्सल गेट नहीं पूछा गया है आपसे, यहाँ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट पूछा है, इसलिए आंसर क्या होगा मल्टीप्लेक्सर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्लिप फ्लॉप संग्रहित करता है, एक फ्लिप फ्लॉप 1 bit को संग्रहित करता है। 46, यदि क्रिकेट के 11 सदस्य की टीम में से किसी एक को कप्तान चुना गया है, किसी भी एक खिलाड़ी के ना कहने पर कप्तान नहीं चुना जाएगा, बताइए यहाँ किस लॉजिक गेट का उपयोग करेंगे। देखिए ये अपने पास ऑल एंड थिंग गेट का एग्जांपल है, तो यहाँ अपने पास जो गेट आएगा वो आएगा एंड गेट, तो राइट आंसर होगा अपने पास एंड गेट, ऑप्शन अपने पास ए सही होगा। नेक्स्ट 47 की तरफ चलते हैं, स्टेयर केस वायरिंग में एक्सोर गेट का उपयोग किया जाता है, एक्सोर लॉजिक यूज़ किया जाता है। 48 पर चलते हैं, देखिए यहाँ ये एंड गेट है, इसका आउटपुट होगा ए डॉट बी, यहाँ नॉट गेट लगा हुआ है, इन्वर्ट कर देगा इसको तो आंसर आ जाएगा अपने पास ए डॉट बी का बार। 49 क्वेश्चन पर चलते हैं, किस गेट में एक इनपुट होता है, एक नॉट गेट में ही एक इनपुट होता है, कॉइंसिडेंस लॉजिक गेट किसे कहा जाता है, एक्सनोर गेट को कहा जाता है। देखिएगा ये अपने पास था टेस्ट सीरीज का जो पेपर था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए, ठीक है, उसका सॉल्यूशन हो गया है। इसकी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।